सात संगत जी निम्रता साहब आप नूं फतेह अर्ज करदे हां। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह ते सलाम अलैकुम। नवाब मुहम्मद नवाब शेर खान साहब ने ये मुसलमानां दा शहर है। मैं तुहानूं इज्जत दे नाल सलाम अलैकुम कहा पर हिंदुत्व का जोर सिख ते मुसलमान दे उत्ते इन्ना पै गया है कि सिख भी डरदा है फतेह बुलाउण तों ते मुसलमान भी डरदा है वालेकुम करन नूं। जदों नमाज हो रही सी मैं इत्थे बैठा सी ते साडे मुसलमान भरा बहुत हरकत कर रहे सीगे, उन्हां नूं कोई नमाज दे लई इज्जत नहीं सी, बोली जांदे सीगे, स्टेज दे उत्ते फोटोआं खिच्ची जांदे सीगे ते मैनूं शर्म बहुत आई कि जे सिख ते मुसलमान घट गिनती है ते हिंदुत्व दा राज है ते नवाब साहब दा शहर है जिहदा नाम है रोड लैंदा शेर मुहम्मद खान साहब दा ते इस तरह दी हरकत ना मैनूं मुसलमान ठीक लगदी है ना मैनूं सिख दे विच लगदी है। जिन्ना चिर तुसीं ठीक नहीं होंगे उन्ना चिर तुहानूं इत्थों कख नहीं थिआउणा। तुसीं गुलामी कबूल चुके हो। जिहड़े लोक जिहड़ी कौम गुलामी कबूल कबूल लवे उन्नू फिर उठाउणा बहुत मुश्किल हुंदा है। इस करके आम आदमी पार्टी ने हजरत मुहम्मद साहब की बेअदबी की है। बीजेपी आरएसएस ने किसी ने आम आदमी पार्टी ने कोई उस नूं खंडन किया है कि नहीं, तेरे च जे डिसिप्लिन नहीं ना होगा मैं ठुड्डा मार के थले सुट्टूंगा। अच्छा हाँ किसी पार्टी ने उस नूं खंडन नहीं किया हैगा ते सारी जिन्ने भी इस्लामिक मुल्क हैं उत्थे आम कहावत है कि इंडियंस ने हजरत मुहम्मद साहब की बेइज्जती की है। मैं बयान दिता है कि सिख एक लहदा कौम है ते एक लहदा मजहब है ते साडा तलक जो इंडियंस करते हैं हिंदुत्व के लोग बीजेपी आरएस साडा उन्हां दे नाल कोई तलक नहीं है। ये तां मैं कीता जो करके सिख भी अरब ते इस्लामिक मुल्कां दे विच वसदे है। सानू पता होना चाहिए कि जिहड़ी बेअदबी कीती है मोदी जी सरकार कह रही है कि ये तां साडे जिहड़ा बुलारा बीबी शर्मा बीजेपी दी उसने कीती है पर इस दा तलक मोदी जी सरकार दे नाल कोई नहीं है। ऐ किवें हो सकदा है मोदी साहब तुहाडी शुरू तो स्कीम है
कि घट गिनतियां नूं अपने हिंदू धर्म दे विच जज़ब करना है। ते तुसी किवें कह सकदे हो कि ये बीजेपी पार्टी दे बुलारे ने इहो जिहा बेहूदा बयान दिता है। ये बिल्कुल तुहाडी पार्टी ते आरएसएस दी साजिश दे नाल दिता गया। जो करके तीन दिन पहला जिहड़े गृह वजीर है अमित शाह जी उन्होंने बयान दिता कि अज हिंदुस्तान ने सारी जिहड़ा इतिहास है वो तब्दील कर देना। ते जिहड़े मुगल राज है वो किताबां दे विच देखूगा ही नहीं। फिर आपां किवें कह सकते हैं कि बीजेपी ते आरएसएस का कोई तलक नहीं है। जो बेहूदा बयान हजरत मुहम्मद साहब के खिलाफ दिता गया ये बहुत शर्म की गल है कि जिहड़ी जिहड़ा फिरका राज कर रहा दिल्ली तो वो घट गिनतियां दे उत्ते जबर कर रहा है। संविधान के मुताबिक जो भी किसी नूं दुख होवे वो अमन पसंद तरीके दे नाल जुलूस कढ सकदा है, प्रेस दे विच बोल सकदा है। इस तरह मुसलमानों ने हिंदुस्तान के काफी शहरों के विच कीता, पर जिहड़ा एक शहर है यूपी दे विच उत्थे जिहड़ा मुसलमान आगू सीगा जिन्हें तकलीफ मन्नी ते जुलूस कढ़िया, प्रयाग जिहड़े यूपी दे विच शहर है जिहड़े मुसलमान ने जुलूस कढ़िया सी, रोस कढ़िया सी, उस दा घर बुलडोजरां दे नाल ढाया गया। हुण तुसीं दसो कि जदों संविधान इस मुल्क दा सानू सारिआं नूं इजाजत दिंदा है कि अमन पसंद तरीके दे नाल असीं अपना दुख प्रगट कर सकदे हैं, ते फिर उस दा घर बुलडोजर दे नाल ढाउण दा की मतलब सीगा। और यूपी दे विच, मध्य प्रदेश दे विच, दिल्ली ते हरियाणा दे विच जिहड़े साडे गरीब मुसलमान सी उन्हां दीआं बस्तियां नूं गैर कानूनी दर्जा दे के उन्हां दे उत्ते भी बुलडोजर ढाए गए है। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ MLA ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ
कि किन्ना जुल्म होया। फिर असी सियाल दे विच कंबल ते रजाइयां ते खान पीन का समान भेजा। इस तरह जदों कश्मीर दे विच हड़ आ गए सीगे, साडे पंजाब दे लोकां ने बहुत सानू कपड़ा दिता, चौल दिते, दालां दित्तियां, होर जिहड़ियां चीजां जिथे जिथे गुजारा हो सकदा वो दिता। फिर जिहड़े गरीब घर सीगे उत्थे जाके असी वंडिया, असी लिस्ट बनाई जिहड़े कश्मीरियां नू झूठे मुकाबलियां दे विच मारिया गया सी, उन्हां दे खास घरां दे विच जाके असी राशन पहुंचा के आए। ये असी किसे दे उत्ते सहान नहीं कीता, ये साडी ड्यूटी है। सो मैं समझदा हां कि असी हमेशा ड्यूटी करते हैं बबरी मस्जिद बारे सारा कुछ। उत्थे गए असी तुहाडा साथ दिता और रोस कीता। सो हुण नमाज का टाइम आ गया। हुण जिवें मैं कहा नमाज के टाइम दे विच आपां नूं नमाज पढ़नी चाहीदी है ते गल्लां बातां नहीं करनियां चाहीदियां। सो इस करके मैं हुण अपनी तकरीर नूं खत्म करदा ते इजाजत मंगदा और फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह ते सलाम अलैकुम। मैं कुटूंगा तुहानूं किसे दिन जे मेरा जवाब सलाम अलैकुम दा नहीं दिओगे। सलाम।